हे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं हूं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, फाउंडर ऑफ वर्कशॉप digitalmarketingguruji.com। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि दोस्तों, आप भी अपने बिजनेस को फेसबुक के ऊपर दोस्तों कैसे प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, आप एक बिजनेसमैन है, आपके पास भी कोई दोस्तों बिजनेस है, अपने बिजनेस को दोस्तों आप भी फेसबुक के ऊपर प्रमोट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड करने वाला हूं कि दोस्तों, आप भी अपने बिजनेस को फेसबुक के ऊपर कैसे प्रमोट कर सकते हैं, जिसके अंदर दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आप सबसे पहले फेसबुक के ऊपर दोस्तों अपना बिजनेस पेज कैसे बना सकते हैं, और बिजनेस पेज बना के दोस्तों आप अपने बिजनेस के लिए एड्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी जानना है और आपको भी सीखना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे वीडियोस लगातार देखना है तो मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे जो आपको रेड बटन का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है, इस बटन पे भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिलते रहे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों, आप अपने बिजनेस के लिए अपना फेसबुक का पेज कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, न्यू टैब के अंदर आपको जाना है, और न्यू टैब के अंदर विजिट करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहां पे आपका एक फेसबुक अकाउंट लॉग इन कर लेना है, जिस भी फेसबुक अकाउंट की मदद से दोस्तों आप अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे। मैंने यहां पे दोस्तों अपने एक क्लाइंट का जो फेसबुक अकाउंट है वो लॉग इन कर रखा है, और आज इसी अकाउंट के ऊपर दोस्तों मैं अपना पेज बनाऊंगा और एड वगैरह सेटअप करके अपने बिजनेस को प्रमोट करूंगा। चलिए दोस्तों, पेज बनाने के लिए आपको करना क्या है, यहां पे देखिए आपको एक मेन्यू का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली दोस्तों आपको मेन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और मेन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पे देखिए पेज का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली दोस्तों आपको पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पेज वाले ऑप्शन पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे, पेज बनाने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहां पे दोस्तों सबसे पहले आपका जो पेज नेम है वो आपको देना है। तो मेरे पास दोस्तों एक बिजनेस है, और ये बिजनेस है दोस्तों voxcar.com, एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, और इसी के नाम से दोस्तों आज अपना पेज मैं बनाऊंगा और यहां से दोस्तों प्रोडक्ट लेके प्रमोट करूंगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, यहां से जो भी बिजनेस का नेम है वो आपको कॉपी कर लेना है, और यहां पे देखिए दोस्तों पेज नेम के अंदर पेस्ट कर देना। पेज नेम डालने के बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है, कैटेगरी आपको डिसाइड करनी है। तो कैटेगरी दोस्तों आपकी शॉपिंग वेबसाइट है, तो आपको यहां पे देखिए शॉपिंग सर्विसेज डालनी है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहां पे आपका डिस्क्रिप्शन देना है। डिस्क्रिप्शन दोस्तों आप अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाद में आप इसको टाइप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली आपको करना क्या, क्रिएट पेज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्रिएट पेज पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे, आपका जो पेज है वो फेसबुक के अंदर बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली आपका जो पेज है वो बन के रेडी हो चुका है, और अब आपके सामने दोस्तों कुछ और स्टेप्स भी ओपन हो चुके हैं। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे प्रोफाइल फोटो देख सकते हैं और कवर फोटो, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अपलोड कर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप करके सेव कर सकते हैं। सेव बटन पर दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे, आपका जो पेज है वो यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपना पेज ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये मेरा पेज जो है बनके रेडी हो चुका है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इस पेज को थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन भी कर लेना, ताकि आपका पेज थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, और इस पेज को अगर आप प्रमोट करें तो आपकी वेबसाइट पे अच्छा खासा सेल आए। तो पेज को दोस्तों कस्टमाइजेशन करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका प्रोफाइल फोटो अपलोड करना है और दूसरा कवर फोटो। प्रोफाइल फोटो दोस्तों आपको करना क्या है, ये जो आपका लोगो है वही आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो ये वाला जो लोगो का फाइल है मेरे पास दोस्तों अभी नहीं है, ना मेरे पास दोस्तों कोई कवर फोटो का फाइल है, तो मैं यहाँ पे दोस्तों कोई और इमेज आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। अगर आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करेंगे तो आपको लोगो और कवर फोटो दोस्तों आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग ही डालना पड़ेगा। मैं यहां पर दोस्तों आपको एक फोटो अपलोड करके दिखा देता हूं। देखिए, एडिट प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करना है और अपलोड फोटो पर आपको क्लिक कर देना है। अपलोड फोटो पर दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे, आपको यहां पर एक फोटो अपलोड कर देनी है। तो मैं देखिए यहां पर ये वाला जो फोटो है वो आपको अपलोड करके दिखा देता हूं। ये देखिए, ये फोटो अपलोड हो रहा है। सिंपली आपको करना क्या है, सेव वाले बटन पे क्लिक कर। सेव वाले बटन पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे, आपका जो प्रोफाइल फोटो है वो अपलोड हो चुका है। इसी प्रकार से दोस्तों आपका कवर फोटो भी आपको अपलोड कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अपना कवर फोटो भी अपलोड कर लिया। कवर फोटो अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक बटन ऐड करना है। बटन ऐड करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, ऐड बटन पे आप क्लिक कर दीजिए, और ऐड बटन पर दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे काफी सारे बटन आपके सामने आएंगे। आपको जो बटन लगाना है वो दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे दोस्तों आज बटन लगा रहा हूं शॉप नाउ का। शॉप नाउ का क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मेरी जो वेबसाइट है वो एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो मैंने यहां पे इसका लिंक कॉपी कर लिया। और आपको यहां पे आना है, वेबसाइट के अंदर पेस्ट कर देना है, और सिंपली सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों सेव बटन पे क्लिक करोगे, आपका जो पेज का बटन है वो भी अब लग चुका है, और आपके पेज का जो कस्टमाइजेशन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप और कस्टमाइजेशन करना चाहते हो दोस्तों, और कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं अबाउट के अंदर दो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है, इनको आप कंप्लीट कर लो। और जैसे दोस्तों अबाउट इंफॉर्मेशन कंप्लीट, आपका जो पेज है वो बनके 100%
तैयार हो जाएगा। वैसे दोस्तों मेरा ये पेज बनके रेडी हो चुका है, इसी पेज के इस्तेमाल करके मैं अब अपने ऐड बना सकता हूँ और अपने बिजनेस को या प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों ऐड वगैरह आप कैसे बनाएंगे इसी पेज का इस्तेमाल करके मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली दोस्तों आपको दोबारा से मेन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ऐड का जो ऑप्शन दिख रहा है सिंपली दोस्तों आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐड वाले ऑप्शन पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे आप ये देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने एड्स मैनेजर ओपन हो चुका है फेसबुक का, और इसी एड्स मैनेजर का इस्तेमाल करके दोस्तों आप भी अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक क्रिएट का बटन दिख रहा है, सबसे पहले आपको क्रिएट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसे दोस्तों आप क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपके सामने ऑब्जेक्टिव चूज करने का ऑप्शन आ रहा है। ऑब्जेक्टिव दोस्तों आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो भी आपकी वेबसाइट है जिस भी प्रकार का बिजनेस है उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आप ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हैं। मेरा जो बिजनेस है वो दोस्तों ई कॉमर्स का है, तो मैं यहाँ पे ई कॉमर्स के अकॉर्डिंग जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मैं चूज कर लूंगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं चूज करूंगा दोस्तों यहाँ पे ट्रैफिक का, क्योंकि दोस्तों मैं अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके जाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे ट्रैफिक वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। और अब आपको करना क्या है दोस्तों, कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना। कंटिन्यू वाले बटन पर दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे आप ये देख सकते हैं ऐड बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो आपके सामने शुरू हो चुका है। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका कैंपेन नेम देना है। कैंपेन नेम दोस्तों अगर आप चाहें तो अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे डाला बॉक्स कार्ड एड्स और 01 दोस्तों आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, स्पेशल एड कैटेगरी दिख रही है, इसके अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं करना। और अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे कैंपेन डिटेल्स दिख रहा है, इसके अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। सिंपली दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का, इसको आपको ऑन कर लेना है। और ऑन करने के बाद दोस्तों आप अपना जो भी बजट आप एक्सपैंड करना चाहते हैं डेली अपने एड्स के ऊपर वो बजट आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। बजट डालने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट वाले बटन पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने जो ऐड बनाने का दूसरा स्टेप है वो खुल चुका है। इसके अंदर दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, और अगर आपको नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप इसको सिंपली छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पे ट्रैफिक का ऑप्शन दिखेगा, मैं अपना ट्रैफिक लेके जा रहा हूँ दोस्तों वेबसाइट पे, तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट ही चूज कर रखा है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और डायनेमिक क्रिएटिव और ऑफर दिख रहा है, इसके अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं करने। अगर आप चाहें तो ऑफर के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, अपना ऑफर क्रिएट करो और ऑफर वगैरह देके अपने प्रोडक्ट को और भी अच्छी तरीके से सेल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और बजट एंड शेड्यूल का ऑप्शन दिख रहा है। बजट एंड शेड्यूल में दोस्तों आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपका एड जो है कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक चलाना है। आपका स्टार्ट डेट ऑटोमेटिकली डल रखा है, एंड डेट अगर आपको डालना है तो एंड डेट भी डाल सकते हो। काम कंप्लीट हो गया दोस्तों, नीचे स्क्रॉल डाउन करो और आप यहाँ पे ऑडियंस का ऑप्शन देख सकते हैं। ऑडियंस का ऑप्शन दोस्तों थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना। देखिए दोस्तों ऑडियंस कैसे चूज करेंगे, ऑडियंस चूज करने के लिए थोड़ा आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करिए और सबसे पहले देखिए दोस्तों आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर लेना है, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। उसके बाद दोस्तों आपको लोकेशन टारगेट करनी है कि किस लोकेशन को आपको टारगेट करना है और कहाँ पे आपको एड दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों जयपुर टाइप किया और जयपुर राजस्थान के अंदर दोस्तों मैं अपने एड को दिखाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे दोस्तों जयपुर का जो लोकेशन है वो मैंने टारगेट कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको करना है क्या, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आप अपनी एज भी फिल्टर कर सकते हैं, जिस भी प्रकार का दोस्तों आपका प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एज फिल्टर कर सकते हैं, कम या ज्यादा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या, जेंडर भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, जिस भी प्रकार का आपका प्रोडक्ट है बिजनेस है उसी प्रकार के दोस्तों आप यहाँ पे जेंडर भी चूज कर सकते हैं। जेंडर चूज करने के बाद दोस्तों अब आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं डिटेल्स टारगेटिंग का। डिटेल्स टारगेटिंग में दोस्तों आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट या बिहेव। मैं यहाँ पे टारगेट करूंगा दोस्तों इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो इंटरेस्ट के अंदर दोस्तों मैंने यहाँ पे डाला शॉपिंग, और शॉपिंग से रिलेटेड जो भी इंटरेस्टेड लोग होंगे वो ऑटोमेटिकली दोस्तों मेरे ऐड के अंदर टारगेट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए शॉपिंग वैसे कई प्रकार की है, आप चाहे तो इन सभी शॉपिंग्स को टाइप चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोस्तों वैसे शॉपिंग पे क्लिक किया और शॉपिंग से रिलेटेड जितने भी लोग हैं जयपुर के अंदर वो सारे के सारे लोग यहाँ पे टारगेट हो जाएंगे। देखिए करीब 23 लाख लोग जयपुर राजस्थान के अंदर इंटरेस्टेड है शॉपिंग के अंदर, तो ये सारे के सारे टारगेट हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आपका काम कंप्लीट हो गया, अगर आप चाहते हैं तो ऑडियंस को सेव कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों आपको सेव बटन पर क्लिक करके सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे आपकी जो ऑडियंस है वो यहाँ पे देखिए सेव हो चुकी है। ऑडियंस सेव होने के बाद दोस्तों अब आपको करना है आपका अगला ऑप्शन है दोस्तों प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट के अंदर दोस्तों आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो ऐड है वो कहाँ कहाँ चलाना है, तो इसके लिए आपको करना क्या है मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करना है। और मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपका ऐड आपको चलाना है। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे प्लेसमेंट में दोस्तों फीड्स देख सकते हैं, फीड के अंदर दोस्तों आपको कहाँ कहाँ चलाना है वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, और जहाँ नहीं चलाना वहाँ से दोस्तों आप आसानी से हटा सकते हो। मैं ऐसे दोस्तों हटाऊंगा स्टोरीज के अंदर मुझे ऐड अपना नहीं चलाना, उसके साथ साथ दोस्तों इंस्टाग्राम में भी नहीं चलाना।
आप जहां पे भी चलाना चाहते हो वो चूज कर सकते हो, जहां नहीं चलाना वहां से हटा सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपका काम कंप्लीट हो गया। ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी देख सकते हैं, इसके अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं करना। सिंपली दोस्तों अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट वाले बटन पे फिर से आपको क्लिक कर। नेक्स्ट वाले बटन पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे, अब आपका एड का जो फाइनल स्टेप है वो आपके सामने खुल गया है, और ये है दोस्तों आपका एड सेट। इसके अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आप आइडेंटिटी का ऑप्शन देख सकते हैं। आइडेंटिटी के अंदर दोस्तों आपका जो भी फेसबुक पेज है वो आपको चूज कर लेना। मेरे पेज का नाम है दोस्तों वॉक्स कार्ड, तो मैंने यहाँ पे देखिए वॉक्स कार्ड चूज कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आपके पास कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है और उसके ऊपर दोस्तों आप अपने ऐड को दिखाना चाहते हैं तो आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट भी लिंक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दोबारा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिए और अब आप यहाँ पे ऐड सेट देख सकते हैं। एड सेट के अंदर दोस्तों आपको फॉर्मेट्स मिलेंगे, फॉर्मेट दोस्तों आपको तीन मिल रहे हैं। तीनों के अंदर दोस्तों जो भी फॉर्मेट आपको चूज करके यूज करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोस्तों सिंगल इमेज और वीडियो का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मैं अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके जा रहा हूँ, तो मैं सिंगल इमेज और वीडियो से भी लेके जा सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और अब आप यहाँ पे देखिए एड क्रिएटिव देख सकते हैं। एड क्रिएटिव में दोस्तों आपको मीडिया यूज़ करना है। मीडिया दोस्तों आप वीडियो यूज़ कर सकते हैं या ऑडियो यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों ऑडियो एक इमेज यूज़ कर लेता हूँ। इमेज दोस्तों कहाँ से यूज़ करनी है, आपको जाना है दोबारा से आपकी वेबसाइट में, और जिस भी प्रोडक्ट को दोस्तों आप प्रमोट करना चाहते हैं उससे रिलेटेड दोस्तों आपको यहाँ पे इमेज डालनी पड़ेगी। मैं देखिए दोस्तों इस प्रोडक्ट का जो है प्रमोशन करूंगा आज यहाँ से। प्रोडक्ट ओपन करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, ये वाली जो फोटो है इस फोटो को आप एक बार सेव कर लीजिए और आप एक बार इसको डाउनलोड कर लीजिए। मैंने देखिए दोस्तों इसको डाउनलोड कर लिया। अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे ऐड इमेज पे क्लिक करना है, और ऐड इमेज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपलोड फोटो पे क्लिक करना है, और ये जो दोस्तों अभी आपने फोटो डाउनलोड करी थी इस फोटो को आप एक बार यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। फोटो अपलोड होने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इस फोटो को चूज कर लो और सिंपली आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक करके डन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप डन पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो फोटो है वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। ये देखिए आपका फोटो अपलोड हो चुका है। यहाँ पे अभी आपके पास इनवैलिड का ऑप्शन आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये भी ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक करना, देखिए दोस्तों ये जो आपका प्रोडक्ट है इसका जो लिंक है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो मैंने इस लिंक को यहाँ से कॉपी किया और सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे आना है, और देखिए यहाँ पे आपको लिंक डालने का ऑप्शन मिल रहा है वेबसाइट URL, तो सिंपली दोस्तों आपको इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पे। जैसे दोस्तों आप इसको पेस्ट करेंगे आपका लिंक यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली डल चुका है, और लिंक डालने के बाद दोस्तों अब जैसे इस पे कोई क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली इस प्रोडक्ट के पेज पे विजिट कर लेगा। अगर आपको और काम करने हैं तो देखिए दोस्तों थोड़े बहुत और चेंजेस आप कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट अगर आपको लिखना है तो आप प्राइमरी टेक्स्ट लिख सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, कि किस प्रकार का आपका प्रोडक्ट है और क्या आप यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, फ्री शॉपिंग है या नहीं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पे हेडलाइन में बाय नाउ लिख सकते हैं, और बाय नाउ लिख के आपका हेडलाइन कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना है तो डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, ऑप्शनल है, कोई बात नहीं, वैसे आप इसको ऐसे कैसे छोड़ भी सकते हैं। वैसे दोस्तों आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखिए बाय नाउ का जो बटन आ रहा है मैं इसको एक बार दोबारा से हटा लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का जो नाम है वही रहने देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे बाय नाउ का बटन हटा लिया। और जैसे दोस्तों आप बाय नाउ का बटन हटाओगे यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट का नेम है वो आ गया है, और प्रोडक्ट का नेम कहीं ज्यादा अच्छा है बाय नाउ के बटन से। अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे बटन लगाना है, कॉल टू एक्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए शॉप नाउ का जो बटन है वो आपको लगा देना। शॉप नाउ वाले बटन पे दोस्तों जैसे कोई क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली आपके पेज पे विजिट कर लेगा और आपके प्रोडक्ट को खरीद सकता है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, पब्लिश वाले बटन पे क्लिक कर देना है, और जैसे दोस्तों पब्लिश वाले बटन पे क्लिक करोगे आप ये देख सकते हैं आपका जो एड है वो फेसबुक एड्स मैनेजर में पब्लिश हो जाएगा। ये देखिए मेरा जो एड है वो यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। मैं एक बार आपको जाके दिखा देता हूँ। ये देखिए वॉक्स कार्ट एड्स 01 मैंने बनाया, ये अंडर रिव्यू आ रहा है। अब ये ऐड जैसे एक्टिव होगा आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जाना है टूल्स में, और आप यहाँ पे बिलिंग का ऑप्शन देख सकते हैं, बिलिंग के ऑप्शन में आपको जाना है और पेमेंट करके आप इसको ऐड को रन कर सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, अपने जो प्रोडक्ट है उनको सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और दोस्तों आपने स्टेप बाय स्टेप ये भी सीख लिया होगा कि दोस्तों आप भी अपने बिजनेस को फेसबुक के ऊपर दोस्तों कैसे प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताना। अगला वीडियो दोस्तों आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप मेरे वीडियो ऐसे लगातार देखना है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मेरे वीडियो को लगातार देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।